बच्चों आज की कहानी है हाथी और तोता। एक तोता था और एक था हाथी। तोता इधर से उधर घूम रहा था, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, और घूमते घूमते फल खा रहा था। अचानक उसकी नज़र पड़ी एक पेड़ पर। उस पेड़ के नीचे एक हाथी सो रहा था। तोते को एक शरारत सूझी और वो हाथी के सिर पर आकर बैठ गया और उसे चोंच मारकर परेशान करने लगा, जिससे अचानक हाथी की आंख खुल गई। और तोता हंसने लगा। हाथी दोबारा सो गया और तोते ने उसे फिर से परेशान करना शुरू किया। बार बार उसे परेशान करने लगा, जिससे परेशान होकर हाथी ने कुछ नहीं कहा इस बार और क्या किया, एक तालाब के पास आकर तालाब में आकर बैठ गया। और तोते ने सोचा, ये मुझसे डर कर आकर बैठा है, वाह ये कितनी अच्छी बात है, मैं इतना छोटा सा हूँ और मैंने इतने बड़े हाथी को डरा दिया, देखा मेरा कमाल। और जब हाथी पूरा आके तालाब में बैठ गया, सिर्फ सर ही सर उसका ऊपर रह गया, तो तोता को फिर से शरारत सूझी और उसने हाथी के सिर पर फिर से परेशान करना शुरू किया। इस बार हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड में पानी भरा और तोते को नीचे गिरा दिया। और तोता बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा और अब हाथी जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन फिर हाथी को तोते पर तरस आया और उसने तोते की जान बचाई, उसे बाहर निकाल दिया ऐसे। फिर क्या कहा तोते ने, क्या कहा दोबारा बोलो, थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई और सॉरी, अब मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा। अच्छी लगी कहानी सबको, क्लैपिंग कर दो सब लोग, क्लैपिंग करो, वेरी गुड।